जय श्री कृष्णा। आज हम करेले बनाएंगे बिल्कुल ही एक अलग तरीके से, जो कि पहले शायद आपने कभी न बनाए होंगे ना खाए होंगे। ये मैंने 4 करेले ले लिए हैं। इनको मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लिया है, बस जहाँ काला काला था या कुछ था वो उसका पोर्शन हटा दिया। बाकी मैंने ये छील लिए, इनको काट के देख लिया है, इनमें कहीं कोई कीड़ा नहीं है। तो अब हम इनको ऐसे गोल गोल पीसीज में काट लेंगे बस। ना तो हमें इनमें नमक लगाना है, ना कुछ भिगो के रखना है, कुछ नहीं करना। हम इनको डायरेक्ट अभी की अभी तेल में डालेंगे और बनाना शुरू कर देंगे। सारे करेलों को काट लेंगे। जिस करेले में बीज पके हुए थे वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि पके हुए बीज बाद में खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब हम इनको डालेंगे तेल में फ्राई करने के लिए। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, मीडियम साइज़ का ही आलू, एक हरी मिर्च और आधा नींबू ले लिया है। इनको हम काट लेंगे और नींबू का रस निकाल लेंगे। गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल लेंगे। करेले सरसों के तेल में ही अच्छे बनते हैं। तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है और ये करेले डाल देंगे इसमें। हम काट के हमने इन करेलों को बस ऐसे का ऐसे इसमें डाल दिया है और हम इसको थोड़ी सी देर स्लो गैस पे भून लेंगे। आधा चम्मच से भी कम हम इसमें नमक डाल देंगे, छोटा चम्मच, और इनको मिला देंगे नमक को। थोड़ी देर इनको ऐसे हिला देंगे और फिर अब हम इनको, नमक अच्छे से लग गया है इनको, तो अब हम इनको स्लो गैस पे ही ऐसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी सी देर नरम होने के लिए। दूसरी गैस पे हम पैन रखेंगे एक और, गैस ऑन कर देंगे और इसमें भी अब हम थोड़ा सा तेल डाल के गरम होने देंगे। बस 1 टेबल स्पून घी तेल हमने इसमें और डाल दिया। इसको अब हम गरम होने देंगे। 1.5-2 मिनट हो गई है करेलों को हमें यहाँ पे रखे हुए भाप में नरम होने के लिए। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देंगे ताकि करेलों में रंग अच्छा आ जाए। और अभी हम इसमें अपना नींबू भी निचोड़ देंगे। जो आधा नींबू हमने ले रखा है वो निचोड़ देंगे और इस सारे को हम अच्छे से मिला देंगे। हल्दी, नमक, नींबू सब अच्छे से मिल गया है। दोबारा से हम इनको स्लो गैस पे नरम होने के लिए छोड़ देंगे। उधर हमने दूसरी गैस पे भी तेल गरम होना रख लिया है। तेल गरम हो जाएगा तो हम इसका, मैं अपने ये जो आलू और प्याज थे हमने ऐसे काट लिए हैं, इनको डालेंगे। तेल गरम हो गया है, थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी हम अजवाइन डाल देंगे। तो इसके अंदर अब हम प्याज और ये आलू नरम होने के लिए रख देंगे। गैस बिल्कुल स्लो कर देंगे। प्याज और ये आलू डाल देंगे, इसमें भी थोड़ा सा नमक और हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 2/4 चम्मच से भी कम, पर थोड़ी सी ही हम इसमें हल्दी डाल देंगे, क्योंकि हमने उधर करेलों में भी नमक और हल्दी डाल दिया है। और इनको अब हम ढक देंगे और इनको भी स्लो गैस पे नरम होने देंगे। एक बार करेलों को देख लेंगे। हमें 4-5 मिनट हो गए हैं इन करेलों को स्लो गैस पे रखे हुए। अभी ये थोड़े से और नरम करने होंगे हमें। थोड़ी सी देर और हम इनको ऐसे ही ढक के नरम होने देंगे। जो हमने नींबू और नमक डाला है उससे इनका खारापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इधर हमारे आलू नरम हो जाएंगे। बीच बीच में हम इनको देखते रहेंगे। आलू भी जब नरम हो जाएंगे, प्याज हमारे, तो आगे का प्रोसीजर हम शुरू करेंगे। ये करेले हमारे नरम हो गए हैं। उसके बाद और 2 मिनट हो गए हैं हमें और ये नरम हो गए हैं। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको ऐसे ही ढक के रहने देंगे। इधर हम आलू को देख लेंगे। हमारे ना करेले जले हैं ना आलू जले, हमने स्लो गैस पे ही रखा हुआ है सबको। ये आलू थोड़ा सा सख्त है, ज़रा सी और सेक लगेगी।
आलू हमारे नरम हो गए हैं और अब हम इसमें अपना 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। आप तीखी खाना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस ये मैंने 1/3 चम्मच डाला है मिर्च का, और ये हरी मिर्च जो हमने ली थी वो भी काट के इसके अंदर डाल देंगे। इस मसाले को हम थोड़ा सा भून लेंगे और 1 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे एक बार इन मसालों को, ताकि ये भून जाए। मसालों की खुशबू आने लग गई है। ये हमारे आलू प्याज नरम हो गए हैं। अब हम इसमें, अगर आपके पास अम्बी है, आजकल अम्बी बहुत मिल रही है बाजार में, कच्ची अम्बी अम्बी है तो आप इतना टुकड़ा अम्बी का डाल सकते हैं, जो कि मैंने ऐसे घिस के रख लिया है ये अम्बी का। और ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास अम्बी नहीं है तो आप थोड़ा सा या तो नींबू ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर, जितने भी खटाई आप खाना चाहें आप उतनी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें अपने वो जो करेले बने पड़े हैं तैयार हमारे, वो मिक्स कर देंगे। ये नींबू और ये खटाई फ्रेश हमारे करेलों का बिल्कुल खारापन अभी ख़त्म कर देगी। इनको 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हम जरा सी देर और गैस पे ढक के रखेंगे, ताकि ये खटाई और ये गरम मसाला इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। 1 मिनट हो गई है, ये हमारे सारे मसाले अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो गए हैं। गैस हम बंद कर देंगे और इसको अब हम एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ये हमारे करेले बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ना तो हमें इनको नमक लगा के रखना पड़ा थोड़ी देर, ना हमने इनको धोया है, कुछ भी नहीं किया, ना हमने इनको उबाला है, बस डायरेक्ट हमने इनको छोंक लिया है। बस ये नींबू का जो रस हम इसमें डालते हैं, इससे इन करेलों का खारापन तुरंत मिट जाता है। ये हमारी झटपट करेले की सब्जी बनके तैयार हो गई है। कितनी अच्छी सब्जी हमारी बन गई है, मसालों की खुशबू आ रही है इसमें से, और हमने इनको चख भी लिया है, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं है। इससे पहले भी मैं करेले 2 तरह से और बनाने की रेसिपी डाल चुकी हूँ, उनका लिंक भी मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल आसान है बनाना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।